हेलो टू माय ऑल डियरेस्ट वॉचर वेलकम टू माय चैनल कृतिका जे एंड वी एंड आई विश यू ऑल आर फाइन सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन टूडेज़ वीडियो सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक एंड वॉच द फुल वीडियो लेट अस बिगिन सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिसप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्राम इट साल्टल्यूशन तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मोर रिएक्टिव मेटल का और एक लेस रिएक्टिव का जो कि सोडियम है मोर रिएक्टिव और कॉपर था लेस रिएक्टिव ठीक है तो क्या होता है जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं ठीक है इन अ केमिकल इक्वेशन सी वॉट विल एक्चुअली हैपन अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसमें हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जैसा कि यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन के लिए दिया गया ठीक है तो उसमें हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते वैसे को लिया और एक लेस रिएक्टिव को तो क्या होगा यही हमें जानना है ठीक है वेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. okay? the more reactive metal hoga would displace kar dega. Yani remove kar dega. Hai? it will be displace or remove the less reactive metal or substance from its solution. okay? Uh, example, if there is a sodium and there is a copper, then what will happen in chemical reaction? सोडियम डिसप्लेसेज द कॉपर ओके नौ एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन मेटल और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ठीक है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन मेटल के रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं वेन अ स्ट्रीप ऑफ आयरन मेटल इज प्लेसड इन अपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर सम टाइम then the blue color of copper sulfate solution fades and red brown coating of copper metal is deposited on the iron strip. Uh, let us see jo iron strip hota iron metal ka uh, strip in the sense पट्टी जैसा ठीक है तो जो वो iron का strip होता है जब उसे हम कुछ time के लिए copper sulphate solution में place करेंगे यानी कि डाल के देखेंगे तो जो कॉपर सल्फेट सल्यूशन का ब्लू कलर है और जो मतलब आयरन का कलर है ठीक है रेड ब्राउन कलर उसमें से जो कॉपर सल्फेट सल्यूशन का कलर है ब्लू कलर वो फेड्स हो जाएगा फेड्स मतलब मुरझाना ठीक है मुरझा जाएगा और डिपोजिट हो जाएगा कौन सा कलर रेड ब्राउन कलर आयरन का ठीक है तो यहाँ कलर से भी हमें पता क्या चल रहा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो फेड्स हो गया और पूरी सरफेस में डिपोजिट हो गया है मेटल के ऊपर कौन सा रेड ब्राउन कलर आयरन स्ट्रिप का इससे पता चलता है कि आयरन जो था वो मोर रिएक्टिव था किससे कॉपर से एंड दैट्स वाई दिस हैपेन लेटेस्ट सी इन इक्वेशन एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर इज इक्वल टू एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू हेयर एफ ई मतलब हो गया आयरन और सी यू एस ओ फोर यानी कॉपर सल्फेट ठीक है कॉपर सल्फेट का सल्यूशन और इक्वेशन में इक्वल टू के बाद क्या होता है तो एफ ई एस ओ फोर्ड हो जाता है यानी कि आयरन सल्फेट हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि पहले कॉपर सल्फेट सल्यूशन था और अब रिजल्ट रिएक्शन के बाद क्या होता है कि आयरन सल्यूशन होता है सल्फेट के साथ और कॉपर अकेला रह जाता है इससे पता चलता है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर है ना नाउ लेट इस कंसिडर अनदर रिएक्शन रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम अब दूसरे रिएक्शन के रूप में हम देखेंगे जिंक मेटल का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ क्या रिजल्ट होता है ओके वेन अ स्ट्रीप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कापर सल्फेट सल्यूशन फॉर सम टाइम then the blue color of copper कॉपर solution fades and a red brown coating of copper metal is डिपोजिट on the zinc strip देखिए यहाँ पे क्या होता है लेटेसी जो एक जिंक स्ट्रिप लेते हैं ठीक है जो मेटल का जिंक स्ट्रिप होगा इफ we विल टेक इट ऑन द solution कॉपर सल्फेट solution में हम उसको कुछ टाइम के लिए लेंगे तो क्या होगा जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट सल्यूशन का वो फेड्स हो जाएगा वो यहाँ भी मुरझा जाएगा और जो रेड ब्राउन कोटिंग होगा वो क्या होगा डिपोजिट हो जाएगा जिंक स्ट्रीप पे कॉपर का ठीक है और सीधा इक्वेशन सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन इक्वल टू सी यू प्लस जेड एन एस ओ फोर यहाँ भी क्या हो रहा है सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट प्लस जेड एन यानी कि जिंक और इक्वेशन में रिजल्ट के बाद हमें क्या दे रहा है रिजल्ट ये तो कॉपर प्लस जेड एन यहाँ यानी कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो कॉपर अकेला हो जाएगा और यहाँ भी जेड एन एसोफोर जेड एन से बन जाएगा यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा है ना और ब्लू कलर ऑफ कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी फेड्स एंड द रेड ब्राउन कलर विल बी स्प्रेड और डिपोजिट ऑन द स्ट्रीप अ मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्राम इट साल्ट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो इसका साल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा था उसमें क्या हुआ जो मोर रिएक्टिव मेटल था जिंक उसने लेस रिएक्टिव कॉपर पर को डिस कर दिया है न तो इस तरह हमें पता चलता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर ओके नौ लेटेस्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इक्वेशन से लेके हर जगह पे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि सल्फेट सॉल्यूशन जो है रिजल्ट में उसकी ओर चली जाती है जहाँ पे ज्यादा रिएक्शन होता है अब चलिए देखते हैं यूज़ेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि फिजिकली हो चाहे केमिकली हो उसके बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस का यूज कंसिडर्ड करते डिसाइड करते ठीक है तो मेटल्स की जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके कारण ही उसका बहुत सारा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में ठीक है जैसे कि हम इसमें देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल में मेटल्स बीइंग हार्ड टफ आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स मशीनरी ट्रेन सैटेलाइट्स एरोप्लेन्स इंडस्ट्रियल गैजेट्स मेटल्स जो है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हार्ड और टफ होते हैं इस कारण उनका ऑटोमोबाइल्स में या फिर मशीन से रिलेटेड ट्रेन हो गया या फिर जो स्पेस में जाता है यूनिवर्स में सैटेलाइट्स जो एरोप्लेन है जिसके थ्रू हम ट्रैवल करते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल सामान में यूज़ होता है मेटल का ठीक है नाउ सी अनदर यूजेज ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बींग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टिलिटी इट इज़ यूज इन मेकिंग वायर्स इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस सर्किट्स एंड मेनी मोर इसका जो मेटल का एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और साथ ही साथ हीट का भी तो जो इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने खुद के थ्रू पास होने देता है इसके इस प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस में यूज होता है और साथ ही साथ बहुत सारे सर्किट्स बनाने में और वायर्स में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यही पढ़ा था ना कि मेटल्स को हम वायर्स का रूप दे सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग वायर्स अप्लाइंसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स और बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं इसके कंडक्टर गुड कंडक्टर प्रॉपर्टी के कारण नाउ सी अन अदर यूजेज बींग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट इज़ यूज इन मेकिंग अर्टेंसल्स वाटर बॉयलर्स क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट का भी इसीलिए इसका यूज़ हम बहुत सारे अर्टेंसल्स और वाटर बॉयलर्स बनाने में यूज़ करते सो so दैट हमें हीट नहीं महसूस हो और हीट से प्रिवेंशन के लिए इसका यूज़ होता है यहाँ पे अ नाउ लुक एट द यूज ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ नॉन uh, मेटल जो होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी हमारी ज़रूरत है लाइफ के लिए हाउ लेट सी ऑक्सीजन इज इनहेल्ड वाइल ब्रीदिंग ब्रीदिंग के दौरान हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन इज वेरी इशेंशियल गैस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट ऑन द अर्थ और ऑक्सीजन क्या है एक नॉन मेटल है नाउ सी अनदर पॉइंट नाइट्रोजन इज यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल वी हैव सीन आवर प्रीवियस वीडियो एंड वॉट इज देयर यूज दैट दे आर यूज टू इनहस मतलब इंक्रीज़ करने के लिए ठीक है फर्टिलिटी ऑफ सॉयल को इंक्रीज करने के लिए ये यूज़ होता है नाइट्रोजन किसके रूप में तो फर्टिलाइजर के रूप में नॉ लेटे सी थर्ड पॉइंट क्लोरिन एंड फ्लोरिन आर यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन जो क्लोरिन और फ्लोरिन है दैट इज़ ऑल्सो नॉन मेटल इसका यूज़ हम बहुत सारे पॉन्ड्स में या फिर बहुत सारे वाटर बॉडीज़ में देखेंगे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एक प्योरीफायर के रूप में यूज़ होता है अनदर पॉइंट इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड अप्लाइड ऑन बहुत सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एंटीसेप्टिक के फॉर्म में बहुत सारे इंजरीज के ऊपर ठीक है इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्रैकर्स जो क्रैकर्स बनते हैं जो हम दिवाली में क्रैकर्स को यूज़ करते हैं वो क्रैकर cracker, क्रैकर्स भी हमारे नॉन मेटल्स के ही यूज से बनते हैं सो दीज ऑल आर द यूज ऑफ नॉन मेटल यानी कि मेटल के साथ साथ नॉन मेटल भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में अ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिसप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सार्ड सल्यूशन। एग्जाम्पल इन अ केमिकल इक्वेशन सी यू प्लस जेड एन एसओ फोर इक्वल टू नो रिएक्शन सी यू यानि कॉपर और जेड एन एसओ फोर मतलब जिंक सल्फेट ठीक है तो जेड एन एसओ फोर यानी जिंक सल्फेट को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है और कॉपर यानी सी यू तो क्या हो रहा है यहां पे कोई रिएक्शन नहीं टेक प्लेस कर रहा ठीक है क्यों क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लेस रिएक्टिव मेटल को कोशिश करते कि वो डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस करे तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है बिकॉज एक लेस रिएक्टिव मेटल कैन नेभर डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव इन साल्ट सोलूशन और इन एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा लेस रिएक्टिव मेटल ठीक है तो यही हमारा पूरा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का फैक्ट्स था सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली मैंशन ऑन कमेंट सो दैट आई विल सॉल्व इट एंड आर टेक केयर बाय बाय एंड डू वॉचिंग माई चैनल